रिटायर हो रहे साथी को शुद्ध सोने का उपहार कहां से खरीद कर दे, आइए शामिल होते हैं इस चर्चा में। आइए सुनते हैं लघु नाटिका पंजीकृत ज्वेलर। भाई अशोक जी, मेहता जी रिटायर हो रहे हैं, पता है ना। 30 तारीख को विदाई पार्टी है। अच्छा राय दीजिए उन्हें क्या उपहार दिया जाए। शर्मा जी, आप स्टाफ सेक्रेटरी हैं, हमेशा आप ही तय करते हैं। वैसे दीवार घड़ी दे सकते हैं। दीवार घड़ी? भाई अशोक भाई कुछ और सुझाओ। देखो मेहता जी ने 40 साल तक सेवा की है, वो हम सब में वरिष्ठ हैं। शर्मा जी, मैं कह रही थी कोई सोने की वस्तु यदि दी जाए तो कैसा रहेगा। विचार तो बहुत शुभ है, लेकिन मालती जी खरे सोने की चीज मिले तब बात बने ना। सर, ऐसी विश्वसनीय दुकान से खरीदेंगे जिसकी साख बहुत हो। शर्मा जी, मैं आइडिया दूं खरे सोने का। क्यों नहीं, कोई है क्या जानकार? जानकारी जरूरी नहीं, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पंजीकृत ज्वेलर से खरीदिए। पंजीकृत? हाँ हाँ मालती जी, सरकार के भारतीय मानक ब्यूरो से ज्वेलर्स पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं। जो पंजीकरण प्राप्त कर लेता है उसके शोरूम में पंजीकरण का प्रमाण पत्र लगा होता है। अच्छा, अरे अशोक जी अब कैसे ढूंढेंगे ये पंजीकृत जौहरी को। शर्मा जी, पंजीकृत ज्वेलर्स की सूची भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुझे 4 महीने पहले पता चला था, जब बहन की शादी के लिए गहने खरीदने थे। अच्छा, पंजीकृत शोरूम में ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा आभूषण कितना खरा है? मान लीजिए 22 कैरेट का खरीदना हो तो। भाई अशोक भाई, सोच तो मैं भी यही रहा था। देखिए, जितने कैरेट का आभूषण में सोना लगा हो उसकी संख्या के साथ हॉलमार्क लगा होता है। क्या 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 लगा होता है? हॉलमार्क यानी खरेपन को प्रमाणित करने वाला चिन्ह। अच्छा। और वो 22 कैरेट? मालती जी, 22 कैरेट की शुद्धता बतलाता है हॉलमार्क के साथ 22 के 916 अंकित होता है। अच्छा, और 18 कैरेट का लेना हो तब? तब 18 कैरेट वाले आभूषण पर 18 के 750 अंकित होगा और 14 कैरेट वाले पर 14 के 585। वाह, फिर तो बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। बहन की शादी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया अशोक जी। बिल्कुल। अच्छा अशोक जी, ये शोरूम वाले जौहरी शुद्धता का माप क्या खुद करते हैं? अरे नहीं सर, ब्यूरो के मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर हैं। वहाँ जौहरी अपने आभूषणों की शुद्धता को जचवाते हैं और सही होने पर ही हॉलमार्क अंकित होता है। वाह, तो खोजिए जरा भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट, देखें हमारे दफ्तर के पास कोई पंजीकृत शोरूम है क्या। क्यों शर्मा जी? हाँ बिल्कुल। भाई एसोसिएशन ने हम 3 की कमेटी को अधिकार दिया है कि मेहता जी को क्या उपहार देना है ये तय करने के लिए। तो भाई फिर तय हो गया, ढूंढो भाई अशोक। हाँ ढूंढो है, फिर बजट के हिसाब से कोई अंगूठी या गले की चेन मेहता जी को भेंट कर सकेंगे। ठीक है, ये कंप्यूटर थोड़ा सा ये लीजिए। हाँ शर्मा जी, मुझे तो लो वेबसाइट भी मालूम है, www.bis.gov.in। अरे वाह भाई, वाह अशोक जी, आप तो कमाल है यार, बहुत जानकारी है आपको। भाई अशोक, आप तो गजब हैं। लीजिए, हल हो गई एक जटिल समस्या। याद रखिए, हॉलमार्क की मोहर निश्चिंता की धरोहर।